व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा अपकमिंग NS160 पर आपको क्या क्या अपडेट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। देखो, जैसे कि इंडियन मार्केट में जितनी भी बाइक कंपनी अभी अपकमिंग पर है या फिर आ चुका है, बहुत सारी अपनी बाइक पर बहुत ज्यादा अपडेट के साथ आ रहा है। जैसे कि मीटर कंसोल पर आपको ब्लूटूथ नेविगेशन, टायर साइज आपको ज्यादा मिल रहा है, तो उसके हिसाब से अगर NS160 पर हम लोगों को अपडेट नहीं दिया तो वो तो बिल्कुल मार्केट पर पीछे रह जाएगा। सो आपको NS160 की नेक्स्ट जनरेशन के बारे में इस वीडियो के अंदर पता चलने वाला है। एंड 160 NS पर बहुत ज्यादा अपडेट है दोस्तों। जैसे कि मीटर कंसोल फुल्ली चेंज होने वाला है, मीटर कंसोल पर आपको ब्लूटूथ नेविगेशन का ऑप्शन मिल रहा है, ये सब वीडियो के अंदर बात करेंगे दोस्तों डिटेल्स में। टायर साइज चेंज होने वाला है, 160 NS पर आपको 200 NS की टायर मिलने वाला है। तो दोस्तों ये वाला वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, एंड अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ये वाला वीडियो जरूर शेयर करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात किया जाए NS160 की मीटर कंसोल के बारे में। हम लोग को पता है NS160 200 NS एंड NS125 में डिजिटल एंड एनालॉग दोनों टाइप की मीटर एक साथ आता है, बट इस बार हम लोग को वही मीटर मिलने वाला है। बट मीटर पर दोस्तों ब्लूटूथ एंड नेविगेशन का ऑप्शन मिल रहा है। इससे क्या होगा, आप अपनी फोन को बाइक से कनेक्ट कर सकते हो, जिससे क्या होगा आपके पास अगर कोई कॉल आता है राइड करते वक्त, तो वो कॉल आप डिस्प्ले पर देख के पिक कर सकते हो। बाइक की जो मीटर है वहां पर देख के आप कॉल को पिक कर सकते हो। एंड राइड करते वक्त आपके पास अगर पेट्रोल नहीं रहता है दोस्तों, तो कितने दूरी पर पेट्रोल पंप होगा वो भी आप इस मीटर पर देख सकते हो। ये बहुत ही बेहतरीन एक अपडेट है, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने शेयर कर दिया। और दोस्तों पहले की तरह आपको यहाँ पर डेट एंड टाइम मिलने वाला है। एंड इस NS160 की मीटर कंसोल पर हम लोग को और एक बहुत ही बढ़िया अपडेट मिल सकता है, वो है दोस्तों गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर। हम लोग को पता है KTM की बाइक में आता है, यामा की बाइक में आता है, बजाज की बाइक में नहीं आता गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर। NS200, 125 NS या फिर 160 NS, पल्सर 220F, यहां पर हम लोग को गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर नहीं देखने को मिल जाता है। बट इस बार हम लोग को NS160 पर जो मीटर कंसोल पर हम लोग को गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर मिल जाता है दोस्तों। ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है हम लोगों के लिए। एंड अब बात किया जाए NS160 के टायर साइज के बारे में। देखो, हम लोग को पता है कि NS160 की जो BS4 BS6 मॉडल है, 120x80 सेक्शन के टायर रियर पर एंड फ्रंट पर 90x90 सेक्शन का टायर मिल रहा था, बट इस बार चेंज होने वाला है दोस्तों। रियर पर हम लोग को 130x70 का टायर एंड फ्रंट पर 90x110 की टायर मिलने वाला है, जो MRF की जैपर की ओर से ही आएगा एंड अलॉय व्हील 17 इंचेस का ही रहेगा दोस्तों। तो ये बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। एंड ABS की बात किया जाए तो फ्रंट पर हम लोगों को ABS मिलने वाला है दोस्तों, जैसे कि हम लोग को मिलते आ रहा था वही ABS हम लोग को मिलने वाला है फ्रंट पर। एंड फ्रंट की जो डिस्प्ले की साइज है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि 260 की डिस्प्ले आता था वो अब 280 का आने वाला है दोस्तों। एंड सस्पेंशन की अगर बात किया जाए, यानी कि बाइक की जो कंफर्ट था वो पहले की तरह ही आएगा, बट फ्रंट पर आपको जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही मिलेगा, रियर पर आपको जो मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता था वो अब चेंज होने वाला है, आपको मोनोक्रॉस मिलने वाला है। इससे क्या होगा, बाइक की जो सीट हाइट है वो आप अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यही है मोनोक्रॉस सस्पेंशन, मोनोशॉक से बिल्कुल ये नहीं होता था, बट मोनोक्रॉस से ये हो जाएगा, अपनी हाइट के हिसाब से बाइक की हाइट को एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि NS160 जो हाइट साइज है वो थोड़ी सी ज्यादा है। तो काफी लोग को पसंद है NS160 बट वो ले नहीं पाते क्योंकि NS160 का हाइट बहुत ज्यादा है, तो इसका भी सोल्यूशन अब निकल चुका है दोस्तों। एंड अब बात किया जाए दोस्तों बाइक की जो लाइटिंग सिस्टम है उनके बारे में। बाइक पर जो चारों इंडिकेटर्स था अब वो LED में आने वाला है, पहले आता था हैलोजिन के साथ बट अब LED में आने वाला है। बट फ्रंट की हेडलैम्प एंड रियर की जो टेल लैम्प आता था वो पहले की तरह आएगा, खाली सिर्फ यहाँ पर हम लोगों को LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएगा। एंड और एक ऑप्शन हम लोगों को मिलता है, जैसे कि हैजर्ड का ऑप्शन, वो अब इनबिल्ट मिलने वाला है। हम लोग पहले क्या करते थे, बाइक बाई करने के बाद हम लोग हैजर्ड का ऑप्शन इंस्टॉल करते थे, बट अब वो करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को इनबिल्ट जो है हैजर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। एंड हैजर्ड स्विच भी हम लोगों को मिलने वाला दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन लगा मुझे। एंड बात कीजिए बाइक की पावर एंड कलर ऑप्शन की, तो हम लोग को वही कलर ऑप्शन वही पावर मिल रहा है जैसे पहले तरह 160 सेगमेंट पर आई का बाइक, एंड वो जो कलर पहले मिलता था वही कलर हम लोगों को मिलने वाला है दोस्तों। एंड यहाँ पर भी हम लोगों को ऑयल कूलिंग के ऑप्शन ही मिल रहा है, अभी तक जो है NS160 पर लिक्विड कूलिंग की ऑप्शन नहीं आया। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने सब कुछ बता दिया अपकमिंग NS160 पर क्या क्या अपडेट हम लोगों को मिलने वाला है, जो NS160 नेक्स्ट जनरेशन पर लॉन्च होने वाला है दोस्तों। ये अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ये वाला वीडियो जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक अच्छे से रहना, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।